हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवसानी और आप सभी का स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैंने अपने चैनल का नाम टेक्नो सहानी से टेक्नो गुरुदेव रख दिया है और इसके पीछे का रीजन क्या है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको बाद में पछताना ना पड़े। और अगर आप जो अपने चैनल का नाम को लेकर कन्फ्यूजन है तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब एक यूट्यूबर एक नया यूट्यूब चैनल बनाता है तो उसको जो है उसके चैनल के नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि हम कौन सा चैनल रखें और जो भी नाम यूट्यूब पर सर्च करता है उस नाम से ऑलरेडी चैनल बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये समस्या जो है सभी एक नए यूट्यूबर के साथ होती है। तो मैंने भी, जो आप देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल था पहले टेक्नो सहानी नाम से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में मुझे जो है इसका नाम जो है टेक्नो गुरुदेव रखना पड़ा। इसके पीछे का रीजन क्या है, इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर जो है यूट्यूब से रिलेटेड छोटी बड़ी जो है सारी टिप्स शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपके चैनल को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब मैंने अपने इस चैनल को स्टार्ट किया था तो आपको पता ही होगा कि जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े उनको पता ही है कि जब मेरा देवजी टेक्निकल चैनल हैक हुआ था तभी जाकर जो है मैंने टेक्नो सहानी यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था, ताकि जो है मैं अपने देवजी टेक्निकल चैनल के बारे में लोगों को बता सकूँ कि मेरा चैनल हैक हुआ है और मेरे हेल्प के लिए जो है काफ़ी लोग जुट सकें। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि जो है मेरा टेक्नो सहानी यूट्यूब चैनल तो धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन मेरा देवजी टेक्निकल चैनल भी मैंने जो है एक महीने के प्रोसेस के साथ जो है उसको वापस ले लिया। तो अब मेरा जो है देवजी टेक्निकल चैनल वापस आ गया, जिस पर कि मैं टेक ट्यूटोरियल डालता हूँ, तो उस पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करूँ टेक्नो सहानी यूट्यूब चैनल की, जिस पर आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त, तो इस चैनल को जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसके नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। ये सभी यूट्यूबर के साथ होती है। जब कोई भी यूट्यूबर एक नया चैनल स्टार्ट करता है तो सभी के साथ जो है कन्फ्यूजन रहती है कि वो अपने यूट्यूब चैनल का नाम क्या रखे। कुछ लोग तो अपने नाम से रिलेटेड अपने चैनल का नाम रख लेते हैं और कुछ लोग जो है किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चैनल का नाम रखते हैं। तो ऐसे में दोस्तों बात आती है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल होता है वो एक बिजनेस के पर्पज से हम जो है स्टार्ट करते हैं, ताकि हम जो उस पर लॉन्ग टर्म के लिए जो है उस पर वीडियो डाल सकें, उस पर काम कर सकें। तो जो हमारा नाम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है, अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो हमेशा अपना यूट्यूब चैनल का नाम रखते वक्त हमेशा यूनिक नाम को ही रखें, ताकि उससे मिलता जुलता नाम जो है कोई दूसरा ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि टेक्निकल गुरुजी के चैनल से रिलेटेड हमने नाम रख लिया टेक्निकल गुरुजी, तो मेरे चैनल को कभी ग्रो ही नहीं मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल गुरुजी ऑलरेडी एक ब्रांड यूट्यूब चैनल है। तो हम अगर उनके रिलेटेड चैनल से नाम रखेंगे तो हमारा चैनल जो है ग्रो ही नहीं करेगा, लोग इग्नोर करेंगे। तो यही बातें होती हैं दोस्तों कि चैनल का नाम रखते वक्त हमेशा जो है यूनिक नाम को सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि आपका चैनल यूट्यूब के फील्ड में, यूट्यूब के एरिया में जो है यूनिक हो और उसको जो है सर्च रैंक में बहुत जल्दी ऊपर आ सके। जब भी कोई सर्च करे आपके चैनल का नाम तो आपका चैनल ऊपर आ सके। तो यही रीज़न था कि मैंने जो अपने चैनल का नाम जो है टेक्नो सहानी रखा था, क्योंकि इस नाम से रिलेटेड कोई भी यूट्यूब चैनल पर नाम नहीं था, ना ही चैनल था। तो दोस्तों, मैंने जो है अपने चैनल का नाम टेक्नो सहानी रख लिया। लेकिन दोस्तों, मैंने क्या किया कि मैंने अनाउंस कर दिया कि ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको पता होना चाहिए कि मैंने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था। क्योंकि दोस्तों, अभी तक इस चैनल पर मेरा जो है कस्टम URL भी नहीं मिला था। तो मैंने जो है अनाउंस कर दिया था कि मेरा टेक्नो सहानी यूट्यूब चैनल नया है, प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो कई लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, और उसी वक्त दोस्तों मेरे साथ एक स्कैम भी हुआ, स्कैम भी कह सकते हैं इसको। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप कोई नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपके साथ होती है कि अगर आपने जो है कस्टम URL अपने चैनल का नहीं लिया है, और अगर आप जो है हर वीडियो में कह रहे हैं कि ये मेरा नया चैनल है, अपने चैनल का नाम ले लेकर कह रहे हैं कि ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए, तो ऐसे में होता क्या है कि कई लोग जो है आपके चैनल के नाम से रिलेटेड नया चैनल बनाकर रख देते हैं, ताकि कोई भी अगर आपके चैनल को सर्च करे तो जितने भी दूसरे चैनल बने रहेंगे उस नाम से वो चैनल ऊपर आने लगते हैं। और हो सकता है कि अगर वो बंदा अपने चैनल पर वीडियो भी डाला है तो आपके नाम से रिलेटेड उसका चैनल ऊपर आएगा और उसके चैनल पर जो है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल के नाम को बहुत सोच समझ कर रखें,
कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराकर अपने YouTube चैनल के नाम से रिलेटेड कस्टम URL को तुरंत ले लें, क्योंकि हो सकता है कि बाद में जब आपका 100 सब्सक्राइबर पूरा हो उससे पहले ही आपका कस्टम URL कोई और बंदा ले रखा हो, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है, बाद में आपको नाम चेंज करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर को पूरा करें और अपने YouTube चैनल का कस्टम URL YouTube से ले रखें, और हमेशा कोशिश करें कि अदर सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि Facebook, Twitter, Instagram हुआ, यहाँ पर भी आप अपने YouTube चैनल के नाम से रिलेटेड कस्टम URL को सेट करें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर आप अपने YouTube चैनल के नाम को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उसी नाम से रिलेटेड कस्टम URL को सेट करना चाहिए, ताकि एक बंदा अगर गूगल में आपके नाम को सर्च करता है तो हर जगह से आपका नाम सर्च होकर आए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी प्लेटफॉर्म से आपका नाम जो है ओपन होकर आए, ताकि वो बंदा एक ही जगह से सर्च करके आपके अदर प्लेटफॉर्म पे जा सके। और दोस्तों हमेशा कोशिश करें कि आपका जो चैनल का नाम हो उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब पर दूसरा चैनल का नाम ना हो। आप जब भी यूट्यूब चैनल बनाएं तो हमेशा सर्च छानबीन कर लें कि इस चैनल के नाम से रिलेटेड जो आप शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले से ही कोई दूसरा चैनल बना तो नहीं है, नहीं तो आपका मेहनत जो है बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियाँ जो है नए यूट्यूबर करते हैं और बाद में कहते हैं कि उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, और बाद में उनको पता चलता है कि उनके चैनल के नाम से रिलेटेड पहले से ही कोई दूसरा चैनल है जिस पर कि उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर पहले से ही हैं, और वो बंदा जो है इस चैनल से नाम से रिलेटेड जो है कस्टम URL भी ले रखा है। तो दोस्तों ये गलतियां करने से बचें और अपने YouTube चैनल का नाम हमेशा यूनिक रखें। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि एक नया YouTube चैनल बनाने से पहले आपको किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और दोस्तों हमेशा इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आपका चैनल बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा और आपका चैनल YouTube पर जो है यूनिक बनकर उभरेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो मैंने गलती की थी आप मत कीजिएगा, हमेशा अपने YouTube चैनल का नाम यूनिक रखिएगा, कस्टम URL को जल्दी से जल्दी सेट करने की कोशिश कीजिएगा, अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उसी नाम से रिलेटेड कस्टम URL को जरूर सेट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो भी कोई बंदा आपके YouTube चैनल को नाम को सर्च करे वो हर जगह आपके YouTube चैनल के नाम से जो है पहुंच जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्नो गुरुदेव को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।